हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो पार्ट 3 है मेरा GTA 5 के फ्रैंकलिन के घर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि उसके घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए, मैंने उसको डाल रखा है यहाँ पे कार्ड्स में यही कहीं पे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो की। सो गैराज खुल गया, गैराज के अंदर ओके दोस्तों, मैंने ये गाड़ी ढूंढ के निकाली थी। ग्रॉटी है ये, इसका नाम ग्रॉटी है। पूरा नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ग्रॉटी टूरिज्मो आर सुपर। ये बहुत ज़्यादा रेयर कार है GTA के अंदर मिलना, और मुझे मिल गई। तो एक नज़र डालते हैं ग्रॉटी के ऊपर भी टूरिज्मो। मैंने इसको थोड़ा सा ट्विक किया है, मॉड वगैरह किया है, मॉड नहीं पेंट, इसका पेंट जॉब बदला है, इसको थोड़ा अपग्रेड किया है बेसिकली। एंड यार काफ़ी कूल सी कार लगती है, तो मैंने सोचा यार ये तो मुझे रखनी ही चाहिए, इसलिए मैंने इसको ले लिया और गैराज में डाल दिया। और अभी गैराज के अंदर एग्जैक्टली डिटेल्स क्या क्या है वो देखते हैं। थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, बट आई होप आपको प्रॉपरली दिख जाए। गैराज वाली चीज़ है बेसिकली, ज़्यादा कुछ इसमें इतना इंटरेस्टिंग तो मुझे दिख नहीं रहा है। एक बक्सा है, सीढ़ी है और टायर्स है, और पे और दोस्तों यहाँ पे देखो, जॉनी 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 जो द लॉस्ट एंड डेम्ड का जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, उसका पोस्टर यहाँ पे है। और यार बहुत गंदा हुआ जॉनी के साथ। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने GTA 5 नहीं खेला है तो थोड़े अगले 30 सेकंड स्किप कीजिए। स्पॉइलर अलर्ट, जॉनी इस गेम में मरता है और वो ट्रेवर के हाथों मरता है। तो यार बहुत गंदी एंडिंग होती है जॉनी की, बट ये एक बहुत अच्छा ईस्टर है। आई थिंक वो उसके मरने की ही खबर होगी शायद वहाँ पे। और कुछ पेंट कैंस के डब्बे, और ये देखो यहाँ पे वो CRT मॉनिटर है जो शायद टूटा हुआ है। पेंट के डब्बे हैं थोड़े, ब्लू पेंट और रेड पेंट है। यहाँ पे सीढ़ी है, वहाँ पे वेंट है, और यहाँ पे टूल्स के लिए ये पूरा बक्सा रखा हुआ है। इसके अंदर आप झाँक के अगर देखो तो पाना वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, आपको सब जो मैकेनिक के आइटम्स चाहिए वो है। यहाँ पे एक शवल है, गार्डन होगा पीछे फ्रैंकलिन के घर के, तो उसको संभालने के लिए। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर हम लोग शायद एंटर नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ मेरे को टेक्सचर दिख रहा है, फिर भी मैं एक बार जाके देख लेता हूँ। सो यस कन्फर्म दोस्तों, ये दरवाज़ा खुलता नहीं है। यहाँ पे टायर है जो इंट्रैक्टेबल है, मैंने उसको जस्ट मूव किया थोड़ा सा तो वो टायर मूव हो गया। सो ये था गैराज, और यहाँ पे गैराज के साइड में एक अलार्म सिस्टम भी है। तो काफ़ी सोचा है रॉकस्टार गेम्स ने ये पूरे फ्रैंकलिन के घर के बारे में, एक एक चीज़ें। देखो अगर कोई चोरी करना आने वाला है, चोरी करने आने वाला है, तो अलार्म सिस्टम बजेगा और उसकी पुंगी बच जाएगी, तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी डिटेल्स है आप देख सकते हो फ्रैंकलिन के घर के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा पेन लिया है रॉकस्टार ने इस गेम को बनाने में, और वो क्लियरली दिखता है। लाइक लिटरली आप देख सकते हो एक घर के अंदर इतना डिटेल है, और तो पूरे एनवायरनमेंट के अंदर कितना डिटेल होगा, है ना दोस्तों। सो यही ब्यूटी है GTA 5 की, कि डिटेलिंग 5 ही नहीं, सारे रॉकस्टार गेम्स की गेम की, और इसीलिए मुझे GTA 5 इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट गेम्स। सो यही था दोस्तों, यही है फ्रैंकलिन का घर। तो दोस्तों ये था पार्ट 3 फ्रैंकलिन के घर के इंट्रोडक्शन का, और इसके साथ एंड होता है फ्रैंकलिन के घर के इंट्रोडक्शन का। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो अभी जाके फिर से देख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।